बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर गाने वाले नेत्रहीन लोगों को अक्सर दया की नज़र से देखकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई उनकी मदद को सामने आता नहीं दिखता। लेकिन लोगों को अपनी कला का परिचय देकर रोटी की तलाश करने वाले कलाकारों को विवेकानंद डे ने नया जीवन देने की अनोखी शुरुआत की है। ये कलाकार न देख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, लेकिन आज अपने गाने और इंस्ट्रूमेंट्स बजवाने की कला से सबको चकित कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो सभी कमोबेशी नॉर्मल तरीके से जी खा लेते हैं, लेकिन जब 1997 में आगरा रेलवे स्टेशन में बांसुरी वादक को विशेष पर्सन जो कि था हुआ करता था, उन्होंने जब मदद के गुहार लगाते हुए अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तो शायद उनके किस्मत में तिरस्कार के अलावा और शायद ही कुछ मिल पा रहा था। तो मुझे ये देख कर के मैंने उनसे बातचीत किया, मुझे बहुत ख़राब लगा और मैंने यहाँ आकर के सन 2001 में रिदम की स्थापना की। तो अब जो है हमारे ये विशेष स्टूडेंट्स ना कि म्यूज़िक प्ले करते हैं, बल्कि ये दो पैसा अर्न भी कर रहा और अपना आजीविका का एक साधन बना पा रहा रिदम के बैनर तले। लेकिन भगवान हमको आँखें नहीं दिया है, हम आँख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इतना तो महसूस करते हैं, हम दिल से देखते हैं। तालियों की आवाज़ जब सुनते होंगे अपने गानों पे, तो क्या फील करते हैं? अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम आज मैं इतना बड़ा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ, बिना देखे हर कुछ कर ले रहा हूँ और मैं बजा रहा हूँ। आज के एक समय था कि जब हम पढ़ाई लिखाई करता था उसमें घूमते रहता था, गोलचक्कर पार होने के लिए कोई सी जगह अगर लिफ्ट मांगता था तो हमको 1 रुपया पकड़ा दिया करते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है मुझे मतलब कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। जो भी लोग देखते हैं भाई कलाकार आ रहे हैं, इतना तो बोलते हैं। अपनी जीवन की मजबूरियों को अपनी कला के आगे न आने देना और अपनी कमी को अपनी ताकत बनाना ही इन कलाकारों के लिए प्रेरणा बनकर उन्हें कामयाबी की ओर ले जा रहा है। और जयदेव जैसे अन्य चैलेंजिंग लोगों ने इसे प्रमाणित भी कर दिखाया है। समाचार प्लस की टीम इनके इस जज्बे को सलाम करता है। समाचार प्लस के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।